नमस्कार, हमारे चैनल ग्रीन अर्थ बाई सौरभ तिवारी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए ले आए हैं एक बहुत ही सुंदर आकर्षक केक्टस, जिसे आप इंडोर या आउटडोर लगा सकते हैं। इसका नाम है स्कॉन्ट्रिया चियोटीला। ये मूल रूप से दक्षिणी मैक्सिको का पौधा है, जो भारत में रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, और इसे आप आसानी से गमले में लगा सकते हैं। चूँकि इसका वृद्धि दर बहुत धीमा है, तो इसे आप इंडोर भी लगा सकते हैं, आउटडोर भी लगा सकते हैं। ये बहुत अधिक मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती। देखिए कितना अधिक आकर्षक है, इसमें 6, 7 या 8 लाइनें होती हैं। आप देखिए, इसमें 6 लाइनें थीं जो ऊपर आके 7 लाइन बन चुकी हैं। इसके ज्वाइंट में बहुत ही सुंदर आकर्षक कांटे लगे रहते हैं। हम बात करें मिट्टी की, तो इसे हम रेतीली मिट्टी में उगाते हैं। ये हार्डी प्लांट है, इसको रेगुलर पानी का ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे रेतयुक्त मिट्टी बनाकर उगा सकते हैं, और इसको आपको रोज़ रोज़ पानी देने की भी आवश्यकता नहीं है। ये पौधा बहुत अधिक आकर्षक है। इस पौधे को मैंने यहीं पास से एक पिकनिक स्पॉट से कलेक्ट किया है। ये सूखे क्षेत्र का पौधा है, तो इसे आप आसानी से लगा सकते हैं, रेगुलर पानी देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए वहाँ ले चलता हूँ जहाँ से मैंने इसको लाया है। हमारे घर से लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी पर एक झरना है, घोघरा, वहाँ से मैंने इसको लेके आया है। ये बहुत आकर्षक स्थल है, हाफ नदी में झरने का निर्माण हुआ है। घोघरा वाली जगह में चट्टानों के बीच में, नदी के बीचों बीच कई सारी जलधाराएँ कूदती हैं। आप इस प्रकार देख सकते हो, बहुत ही सुंदर और आकर्षक जगह है, जहाँ सामान्यतः पिकनिक के लिए भी आ सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले अपने एक मित्र के वीडियो में इस पौधे को देखा था, तो मैं मूल रूप से इस पौधे को कलेक्शन के लिए ही वहाँ गया था। बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ आप परिवार के साथ पिकनिक मनाने आ सकते हैं। घोघरा कवर्धा जिले में है। चलिए आपको दिखाता हूँ उस पौधे को मैं। ये देखिए, झाड़ी के रूप में उगा हुआ है, लगभग 3-4 या झाड़ी वहाँ पे हैं। ये देखिए, एक दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये लगभग 7 मीटर ऊंचा हो सकता है ये केक्टस, हालांकि वहाँ पे जो है वो लगभग 10-11 फीट के आसपास ऊंचा है। बहुत ही सुंदर है, आकर्षक है, दूर से आकर्षित करता है। केक्टस प्रेमी यदि आप हैं तो आप इसको ज़रूर लगाएंगे, आप इसको देख आकर्षित होंगे। मैं इसके लिए ही गया था, इसी में से एक स्वस्थ ब्रांच को मैं चयन करके लाया हूँ। आपको पहले जो वीडियो में दिखाया था, मैं यहीं से तोड़ के ले गया हूँ। चलिए अब एक सुंदर आकर्षक ब्रांच का चयन करते हैं। देखिए ये वाला ब्रांच जो है बहुत आकर्षक लग रहा है, इसको हम ले जाएंगे, और इसी को मैंने गमले में लगाया हुआ है। ऐसे ही आप वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ग्रीन अर्थ।